हेलो क्लास 12th। हम लोगों ने पिछले वीडियोस में लास्ट क्लास तक आपकी थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री ख़त्म कर ली थी। अब हम लोग आगे की तरफ नए चैप्टर को लेके चल रहे हैं। नया चैप्टर आपका जो है लीनियर प्रोग्रामिंग, LP, लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर का आपका नाम है। हमने पहले से इसे लिख के रखा कि आपको जल्दी से जल्दी समझा के ख़त्म कर दिए, फटाक से आप नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या LP क्या होती है, उसमें कौन कौन से शब्द आएंगे, उनको जानने के लिए कुछ लिखा गया है आपके सामने। क्या लिखा है, LP इज ए मैथड। LP क्या एक मैथड है, LP मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग इज ए मैथड टू फाइंडिंग एंड ऑप्टिमल वैल्यू। ऑप्टिमल वैल्यू का मतलब, जैसे मान लीजिए आप बिजनेस करते हैं, इनकेस ये जो चीज़ें यूज होती हैं LP, ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी होती हैं। आप जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई चीज़ आप बना रहे हैं, तो आप ये चाहेंगे कि हम कम से कम लागत में अधिक से अधिक प्रॉफिट गेन करें, है ना, यही तो आपकी टेंडेंसी होगी। तो वही लिखा है, LP इज अ मैथड टू फाइंड आउट द ऑप्टिमल वैल्यू। ऑप्टिमल वैल्यू मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट, है ना, और मिनिमम कॉस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा आपको फायदा हो और कम से कम आपकी कॉस्टिंग आए, तो इसके लिए ऑप्टिमल शब्द यूज किया जा रहा है। मतलब आप क्या करें, LP मेथड है क्या करने का, एक ऑप्टिमल वैल्यू निकालने का, एक ऐसा सलूशन निकालने का, ऐसा रास्ता निकालने का, ऐसा तरीका निकालने का जिससे आपकी कॉस्टिंग कम हो और आपका प्रोडक्शन में प्रॉफिट हो वो ज्यादा हो। ऑफ ए लीनियर फंक्शन, जो सवाल में फंक्शन दिया जाएगा, मैथड है क्या करने का, ऑप्टिमल वैल्यू निकालने का। इसके लिए लीनियर फंक्शन ऑफ द सेवरल वेरिएबल, कई वेरिएबल होंगे इसमें, एक्स वाई जेड कुछ भी करके वेरिएबल, सेवरेबल कई वेरिएबल्स के लिए यूज हो सकती है। सब्जेक्ट टू द कंडीशन, कोई ना कोई कंडीशन अप्लाई होंगी, है ना, कि अब जैसे आपके पास कोई मशीन है, अभी मशीन नहीं कि 2400 घंटे में चलाए पड़े, क्योंकि हो सकता है आपको बताया गया मशीन ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 8 घंटे चलाइएगा, उसके बाद उसको रेस्ट देना पड़ेगा, अदरवाइज खराब हो जाएगी। मैन पावर है, आप मार्केट से 8 घंटे के लिए वर्कर लाएंगे, अभी तो है नहीं कि पूरे दिन उसको वर्कर ला के रखे रहेंगे, तो वही कंडीशंस आपको बताऊंगी। इन कंडीशन के अकॉर्डिंग वेरिएबल्स की नॉन इमीडिएटिव, मतलब अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो कोई प्रोडक्शन बनाएंगे, कोई प्रोडक्शन अगर करेंगे तो नॉन इमीडिएटिव वैल्यू होगी, या तो आप कुछ नहीं बनाएंगे या फिर कुछ ना कुछ प्रोडक्शन बनाएंगे, ये नहीं कहेंगे -25 प्रोडक्ट हमने बना दिए ना, इसलिए लिखा नॉन इमीडिएटिव एंड सेटिस्फाइंग द सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और जो कंडीशंस आपकी होंगी उनको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगी, कौन, LP। ये डेफिनेशन आपको बताएंगे। अब इसमें द लीनियर फंक्शन क्या है, विच हैज टू द मैक्सिमम आर मिनिमम, इस कॉल्ड द लीनियर फंक्शन, या इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। द प्रोसेस ऑफ मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन, कम ज्यादा वैल्यू निकालना ही ये हमारा क्या ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। शब्द आएगा तो आपको ऑप्टिमाइजेशन क्या होगा हम बोलेंगे, तुमको कोई समझ में नहीं आ रहा। आप किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आप चाहते हैं प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिले, तो उसके लिए जो आप काम करेंगे, जिस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन करने के लिए, उसका नाम होगा ऑप्टिमाइजेशन, उसी को हम बोलते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोलेंगे, है ना। हाँ, द वेरिएबल इन्वॉल्व इन LP, जो वेरिएबल इसमें यूज होंगे, जैसे LP आप इक्वेशन लिखोगे उसमें एक्स और वाई आ रहा है मान लीजिए, तो जो वेरिएबल आपके यूज होंगे उन्हीं को हम बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल। कौन से वेरिएबल बोले जाते हैं, डिसीजन वेरिएबल, अभी नाम दिए जाएंगे, वो डिसीजन वेरिएबल कहा जाता है। द रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिसीजन वेरिएबल, जो डिसीजन वेरिएबल उन पे जो रिस्ट्रिक्शन रखा जाएगा, टू बी वेरिएबल टू बी नॉन नेगेटिव आर कॉल्ड नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। हमने कहा कि आप के पास ज्यादा से ज्यादा आप किसी मशीन को 60 घंटे चला सकते हैं एक हफ्ते में, तो ये रिस्ट्रिक्शन है कि आप या तो उस मशीन को एक भी घंटे मत चलाइए, कुछ भी मत चलाइए, या ज्यादा से ज्यादा आप 60 घंटे उसको चलाइए, तो ये रिस्ट्रिक्शन है आपका किसी वेरिएबल पे, उसी को नॉन रिस्ट्रिक्शन कंडीशन, नॉन नेगेटिव कंडीशन कहा जाए। द रिस्ट्रिक्शन, लास्ट वाली लाइन नहीं दिख रही, इसमें थोड़ा झुका दे रहे, ध्यान से देख लीजिए पहले। द रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिसीजन वेरिएबल टू सेटिस्फाइंग लीनियर इन इक्वेशन आर इक्वेशन आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट, उन्हीं को हम लोग क्या नाम देंगे, कॉन्स्टेंट। तो कुछ शब्द आएंगे, कॉन्स्टेंट क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन क्या होते हैं, ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या होता है, इन शब्दों को हमने लिखा है, बस ये आपको डेफिनेशन इसलिए बताएंगे, कोई जरूरत नहीं ये पूछी नहीं आएंगी, ये जानकारी के लिए आपको बता दिया कि ये चीज़ें यहाँ पे सब आएंगी, इनको सुनना पड़ेगा आपको। अब आइए आप समझाते हैं कि आपको LP की प्रॉब्लम, नोट कर लिया होगा आपने, देख लीजिए फटाफट नोट कर लीजिए। एक हम प्रॉब्लम लिखते हैं उसमें सभी चीज़ों को क्लियर कर देते हैं कि किसका क्या नाम है।
जैसे हमने एक लिखा है, ए जनरल एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन ए टू वेरिएबल। कितने वेरिएबल हम इसमें यूज कर रहे हैं? टू वेरिएबल। कोई जरूरी टू हो, थ्री भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड अप टू थ्री कॉन्स्टेंट, अप टू थ्री कॉन्स्टेंट कैसे लिखिए एलपी प्रॉब्लम? ऐसे लिखा होगा, मैक्स लिखा होगा, मैक्स लिखा होगा या मिन लिखा होगा, इनमें दो शब्द में कोई ना कोई यूज करेंगे लोग। मैक्स जेड या मिन जेड करके लिखा जाएगा आपको, सवाल में मिलेगा ये शब्द, मैक्स जेड या मिन जेड के नाम से मिलेगा। जैसे इन्होंने लिख दिया कि ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक, इसका नाम होता है जो जो जिस या तो सवाल में मैक्स जेड बराबर ये लिखा होगा या मिन जेड बराबर ये लिखा होगा, इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन या लीनियर फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसी का क्या नाम होता है? सवाल में आएगा तो हम दिखाएंगे आपके, इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शंस बोलते हैं। और फिर यहां पे लिखा होता है इसे सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट, कुछ कंडीशंस आपको दे दी जाएंगी, जैसे लिख दिया ए वन एक्स प्लस बी वन वाई, ठीक है, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन आर इक्वल टू या इक्वल टू, कुछ कंडीशंस ऐसे देंगे, ठीक है, इनमें से कोई ना कोई एक सिंबल लगाएंगे, यहाँ ब्रैकेट लगा दिया ताकि या तो ये लगा के देंगे, ये लगा के, ये लगा के, इस यहाँ पे सी वन लिखा होगा। मान लिया ऐसे लिख सकते हैं ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज लेस देन सी वन, या ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू इक्वल सी वन या इक्वल टू सी वन, कुछ भी कंडीशंस ऐसे बना देंगे। ऐसे ए टू एक्स प्लस बी टू वाई, और यही बात यहाँ फिर लिखी हुई सी टू, और तीसरी कंडीशन ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई, और यहाँ भी ऐसी कोई कंडीशन लिखी होगी और ये बी टू वाई लिखा, ठीक है। तो इनको बोलते हैं सब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्टेंट, इन्हीं को कहा जाता है कॉन्स्टेंट। इनका क्या नाम होता है? कॉन्स्टेंट, ठीक। और इसके बाद एक लास्ट मैसेज इसे लिख दिया जाता है कि एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो एंड वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, इसको बोलते हैं नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शन, नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शन, ये रिस्ट्रिक्शन आपके एलपी इस फॉर्मेट में ऐसे लिखी मिलेगी, ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, ऐसे लिखा होगा इस तरह से, और कहेंगे इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन निकाल दीजिए। अभी आपको ग्राफिकल ही पढ़ना, आगे जब जाएंगे बड़ी क्लासेस में तो आपको और भी मेथड बताए जाएंगे, सिंपलेक्स मेथड है और दुनिया भर के मेथड्स आपको सिखाए जाएंगे, लेकिन तब वहां की बात अभी हमें नहीं करनी है, आपको सिंपल अभी जो समझना है वो समझिए कि आपको क्या निकालना है। ऐसे आपको एलपी की प्रॉब्लम दी जाएगी। तो इसमें देखो क्या क्या होता है, एक आपको मैक्स से मिलकर के एक फंक्शन लिखा होगा, उसका नाम होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक, हाँ, यही आपको मैक्सिमम मिनिमम के बारे में जानकारी देगा। फिर कुछ कांस्टेंट, कुछ कंडीशंस बनाई जाती है, कुछ कांस्टेंट्स बनाए जाते हैं, कुछ रिजल्टेंट बनते हैं, उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट। और ये कि अगर आपके पास दो वेरिएबल हैं तो या तो आप प्रोडक्शन करोगे या नहीं करोगे, या तो कुछ भी नहीं बनाओगे या बनाओगे, तो वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकती है, क्योंकि आप अगर व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो वैल्यू आप अगर आप कोई चीज़ जनरेट कर रहे हैं तो बनाएंगे, वो या तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे तो जीरो रहेगी, या बनाएंगे तो बढ़ करके एक दो तीन चार दस बारह पंद्रह, लेकिन माइनस में कोई प्रोडक्शन नहीं करेंगे आप, तो ये नॉन निगेटिव कंडीशन रिस्ट्रिक्शन आपका लगा हुआ होगा, है ना। अच्छा, कोई दिक्कत इतनी बात में ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आपको इलेवेंथ का पूरा ज्ञान होना चाहिए। इलेवेंथ में आपको हमने पढ़ाया था कि लीनियर इन इक्वेशंस अगर आपको दे दी जाए तो उनका सोल्यूशन कैसे निकालते थे, लीनियर इन इक्वेशंस अगर आपको दी होती तो उनका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते थे, प्रोसेस आपको इलेवेंथ में पढ़ाया गया था। एक हल्का सा आपको पॉइंट ऑफ व्यू दिखाते हैं, हल्का सा आपको याददाश्त के लिए कि आपने इलेवेंथ में क्या पढ़ा था, है ना, जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे थोड़ी सी बात को समझ में आ जाएगी। जैसे आपके पास लिख दिया है एक्स प्लस टू वाई लेस देन आर इक्वल टू एट, एक्स माइनस वाई इज लेस देन जीरो, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, वाई इज ग्रेटर देन जीरो, इसका हमको ग्राफिकल सोल्यूशन चाहिए।
तो हम लोग वहां क्या करते थे, हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, राइट द गिवन इक्वेशन, राइट द इक्वेशन, राइट नहीं लिखा, दादा बार बार लिख दिया, राइट द इक्वेशन ऑफ गिवन इन इक्वेशन। याद करिए पहली इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू एट, फिर एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, फिर एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू जीरो। तीन चार इक्वेशन को यहाँ ड्रॉ करते थे ग्राफ पे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया, ये वाई इक्वल टू जीरो हो गया, ये एक्स इक्वल टू जीरो हो गया। याद करिए पहली कंडीशन, इसको एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी, जीरो से बड़ी यानी एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी, एक्स जो होगा हमारा जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा, और वाई भी जीरो से बड़ा, यानी एक्स भी पॉजिटिव होगा वाई भी पॉजिटिव, यानी हमारा जो सोल्यूशन होगा इस एरिया में आ रहा है, हमारा सोल्यूशन कहाँ आएगा, इस एरिया में लाइक करेगा, यहाँ कहीं ना कहीं दिखाई देगा कि हमारा सोल्यूशन इस एरिया में है, यानी हमारा सोल्यूशन अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर आप इन लाइनों को ड्रॉ करते, जैसे इस लाइन को ड्रॉ करना है तो आप इसमें एक बार वाई बराबर जीरो रखते थे, वाई इक्वल टू जीरो रखा, एक्स इक्वल टू कितना आ गया एट, एट का जीरो पॉइंट मिल गया। फिर इसमें एक्स बराबर जीरो रखा तो वाई इक्वल टू चार आ गया, एक पॉइंट ये मिल गया जीरो का चार। जैसे इन दोनों पॉइंट को मिला दिया, इस पॉइंट ने इस लाइन ने क्या किया, आपके इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के दो टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा ये एक टुकड़ा ये। अब या तो रिजल्टेंट यहाँ है या तो रिजल्टेंट यहाँ है, आपको बताया गया था ना, या तो रिजल्ट यहाँ कहीं होगा या रिजल्ट यहाँ होगा। तो प्रोसेस बताया था कि आप जीरो कामा जीरो को इस पर सेटिस्फाइड कराना है, जीरो यहाँ रखा, जीरो यहाँ रखा, जीरो प्लस जीरो, जीरो आठ से छोटा होता कंडीशन कैसी आई, टू। अगर कंडीशन टू आती है तो जिधर जीरो कामा जीरो यानी जिधर ओरिजिन है उधर ही आपका सोल्यूशन होगा, यानी अभी आपका सोल्यूशन कहाँ आने की उम्मीद दिख रही है, यहाँ पर दिख रही है। अब एक लाइन और बची है, ये इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर एक्स, ये वाई स्क्वायर एक्स का फॉर्मेट है, ये लाइन हमेशा ओरिजिन से होकर जाती है ऐसे चली जाएगी, कहाँ से होकर जाती है ओरिजिन से जाती है ऐसे चली जाएगी। इस लाइन ने फिर इस ट्राइंगल के दो टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा ये वाला एक टुकड़ा ये वाला, या तो आंसर इस टुकड़े में है या आंसर इस टुकड़े में है। तो क्या करेंगे फिर, कोई पॉइंट, अब तो जीरो का जीरो से जब ये लाइन जाती है तो या तो ये पॉइंट या तो ये पॉइंट इसमें सेटिस्फाइड कराइए इस इक्वेशन में। देखिए आठ माइनस जीरो इज लेस देन जीरो, आठ माइनस आठ इसको हम सेटिस्फाइड करा रहे हैं, आठ कंडीशन कैसी आ गई, फॉल्स कंडीशन, फॉल्स है, नहीं जिधर एट का जीरो उधर आंसर नहीं होगा, आंसर कहाँ होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, आंसर आपका फाइनली कहाँ आ रहा है, इतना एरिया आपका रॉन्ग हो रहा है। ये आपने 11th में पूरा इसका भरपूर ज्ञान आपको दिया गया था। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि सर हमको ये भूल गए हमको नहीं आता हमको पूरा बेसिक फिर से पढ़ना चाहिए, तो वो 11th की क्लास के प्ले लिस्ट पे जा करके पूरा LP वहाँ पड़ा हुआ है, पब्लिक है, आप आराम से देख सकते हो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि LP कैसे करते थे। वैसे हमने आप रफली आइडिया बना दिया, तो ये जितना काम हमने यहाँ पे किया इतना काम अभी भी वैसे ही करना है जैसे करते थे। अब इसमें बढ़ा क्या, फिर बड़ा कुछ नहीं है, ये जो तीन पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, एक पॉइंट ये एक पॉइंट, इनको बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट, इनको क्या बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट। तो सबसे पहला काम ये होगा कि जितने कॉर्नर पॉइंट बने, जो बाउंडेड रीजन होगा आपका उसके अंदर जो कॉर्नर पॉइंट होंगे उन सभी कॉर्नर पॉइंट को निकालना पड़ेगा। जैसे ये पॉइंट तो पता है कॉर्नर जीरो कामा जीरो, ये कॉर्नर नहीं पता है तो इसकी इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पॉइंट निकल आएगा। फिर ये कॉर्नर देख रहे हैं, सारे कॉर्नर निकल आएंगे, जब कॉर्नर निकल आएंगे तो एक टेबल बनाते हैं और उससे कॉरस्पॉन्डिंग जेड की वैल्यू निकालते हैं हर एक पॉइंट के लिए, और जो अगर मैक्स का सवाल है तो देखते हैं कहाँ सबसे ज़्यादा वैल्यू आई, और अगर मिन का सवाल है तो देखते हैं किस कंडीशन में सबसे छोटी वैल्यू आई, वही आंसर बना देते हैं। चलिए जरा भाई ये सवाल देखेंगे तो समझ में आएगा, ये क्लियर हो गया, मैं आपको 11th का याददाश्त के लिए आपको बताया बस। आओ सवाल देखते शुरुआत करते हैं। इसमें कुछ वर्ड और आएंगे भी आपके पास, एक शब्द आएगा जैसे फिजिबल, फिजिबल रीजन, हम उसको लिख नहीं रहे हैं आपको सिर्फ समझा रहे हैं क्या क्या नाम है। द कॉमन रीजन, अभी तक हमने कॉमन रीजन निकाला था, सुनिए क्या इसका नाम है, द कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय द कॉन्स्टेंट एंड नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑफ LPP इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। जो अभी हमने यहाँ पे ऐसे बनाया था कि जो कांस्टेंट दी गई थी, जो नॉन निगेटिव कंडीशंस दी गई, उन सबका इस्तेमाल करके जो हमने रीबाउंडेड रीजन बनाया था उसी को बोलते हैं फिजिबल रीजन, उसको क्या बोलते हैं फिजिबल रीजन। और फिर होता है फिजिबल सॉल्यूशन,
शब्द आएंगे आपकी किताब में तो आपको समझ में नहीं आएगा फिजिकल सॉल्यूशन। और हिंदी मीडियम वाले भी अंग्रेजी वर्ड को ही जानने का प्रयास करें, क्योंकि एक टॉपिक ऐसा है कि अंग्रेजी नहीं समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा, हिंदी वर्ड इसके बड़े इतने खतरनाक हैं कि आप उनको पढ़ करके भूलने की बहुत दिक्कतें आएंगी। इसलिए पहली बार पढ़ रहे हैं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि आप हिंदी में पढ़ाए जाए, इंग्लिश में पढ़िए जान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अ फिजिकल सॉल्यूशन क्या होता है? ए सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ डिसीजन वेरिएबल, जो डिसीजन वेरिएबल है उनकी जो सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं, ऑफ एलपीपी सेटिस्फाइंग द कांस्टेंट एंड नॉन नेगेटिव डिस्टिंक्शन आर कॉल्ड फिजिकल सॉल्यूशन। अब देखो भैया, जैसे अभी मैं बाउंड्री रीजन ऐसे बनाया था, बना लेते हैं थोड़ा सा ताकि समझा सके हम आपको। ये आ गया, ऐसे करा था, फिर ये लाइन ऐसे गई थी, ये आपका बाउंड्री था, ठीक। तो ये जो बाउंड्री रीजन, इसी का नाम है फिजिकल रीजन। इसका पूरे का नाम क्या है? फिजिकल। इस फिजिकल रीजन के अंदर ढेर सारे देखो पॉइंट हैं, ये पॉइंट है, 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 ढेरों पॉइंट है, नहीं पॉइंट है। अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें तो आपको सर ये पॉइंट 3.4 है, ये पॉइंट को सर 1.2 है, ये पॉइंट 1.3 है, ये 1.7 है, ऐसे पॉइंट ढेरों पॉइंट आ रहे हैं नहीं। तो जो इस फिजिकल रीजन के अंदर जितने भी ये पॉइंट लाई कर रहे हैं वो सब क्या है? सोल्यूशन है। किसके? जो आपको कॉन्स्टेंट दी गई हैं उनके, ये क्या है? सोल्यूशन है। इसको बोलते हैं फिजिकल सोल्यूशन। मतलब इस बाउंडेड रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट आएंगे, जितने भी पॉइंट से आपको वेरिएबल्स की वैल्यू मिलेगी। भाई आपने एक्स और वाई के लिए काम किया है तो यहाँ पे एक्स और वाई के लिए जैसे पॉइंट अगर होगा तो इसमें एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू दोनों को बताएगा, ये पॉइंट एक्स और वाई की वैल्यू को बताएगा, ये पॉइंट एक्स और वाई की वैल्यू को बताएगा। तो वो जितने भी पॉइंट्स बनेंगे, जैसे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2.3 आए, ये पॉइंट के 2.3, इसके 2.4, 4.7, कुछ भी, ये सब क्या है? ये सब फिजिकल सॉल्यूशंस है, इन्हीं को बोलते हैं फिजिकल सॉल्यूशंस। क्लियर हो गई बात? ठीक सर, इतनी बात हमको समझ जाएंगे, फिजिकल सॉल्यूशन का वर्ड आएगा तो हम समझ जाएंगे। फिर इसमें एक वर्ड आता है ऑप्टिमल फिजिकल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल फिजिकल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल फिजिकल सॉल्यूशन की बात आएगी। ए फिजिकल सॉल्यूशन ऑफ एलपी इज सेड टू बी द ऑप्टिमल फिजिकल सॉल्यूशन इफ इट ऑप्टिमाइज मैक्सिमम और मिनिमम द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑप्टिमल फिजिकल सॉल्यूशन, अब जैसे आपके पास ढेर पॉइंट आ रहे हैं, हमने फिर उसमें से कॉर्नर पॉइंट भी सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि सबसे किनारे के ही पॉइंट होते हैं, इन्हीं पॉइंट से वैल्यूज निकालते हैं लोग, है ना, क्योंकि अंदर की जो वैल्यू आएगी लगभग इससे छोटी यही ऐसी यही रहती है, उनका हमें यूज नहीं करना पड़ता है। तो हम लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात ये कर रहे हैं कि हमको वो सॉल्यूशन चाहिए, वो पॉइंट चाहिए, वो एक्स और वाई की वैल्यूज चाहिए जिस पर हमें ऑप्टिमाइजेशन प्राप्त हो रहा है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब, अगर हमको मैक्सिमम की इच्छा है तो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा हो, अगर हमको मिनिमम की जरूरत है, अगर हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो उनको मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा हो, अगर हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, लागत लगाने की बात कर रहे हैं, तो हमको वहां पर कम से कम लागत आ रही हो, ऐसा जो पॉइंट होगा, ऐसा जो सोल्यूशन होगा, उसी सोल्यूशन का नाम होगा ऑप्टिमाइज फिजिकल सोल्यूशन, ऑप्टिमल फिजिकल सोल्यूशन। मतलब वो सोल्यूशन, जैसे हम मैक्स जेन की बात करें तो हम ढूंढेंगे कि कहां पर हमको सबसे बड़ी वैल्यू मिली, जहां सबसे बड़ी वैल्यू मिले वही हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है ना। हाँ, ये बात समझ में आ गई, ऑप्टिमल शब्द समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। बाउंडेड फिजिकल रीजन, बाउंडेड फिजिकल रीजन आप जानते ही हैं, ए फिजिकल रीजन इज सेड टू बी द बाउंडेड इफ इट कैन बी इनक्लोज विद इन ए सर्किल। अगर उसको आप एक सर्किल के अंदर, मतलब अगर इसमें सर्किल बनाना चाहें तो सर्किल के अंदर इनक्लोज हो सके, मतलब अगर इसको बंद करना चाहें तो एक सर्किल के अंदर बंद हो जाए, तो ये कैसा सोल्यूशन कहलाता है? ये बाउंडेड फिजिकल रीजन कहलाता है, बाउंडेड रीजन कहलाता है। एक होता है अनबाउंडेड फिजिकल रीजन इज सेड टू बी अनबाउंडेड इफ इट कैन नॉट बी इनक्लोज्ड विद इन ए सर्किल, विद इन ए सर्किल। अगर मान लीजिए अब ये इधर कहीं बाउंड होता है, इधर आप कितना बड़ा सर्किल नहीं बना सकते ना, तो उसको आप सर्किल के भीतर बंद नहीं कर सकते, मतलब आप उसको बंद चारों तरफ से उसको क्लोज नहीं कर सकते, तो उसको अनबाउंडेड फिजिकल रीजन बोला जाता है। बात क्लियर हो गई होगी, है ना। हाँ, फिर होता है इनफिजिबल सॉल्यूशन, द रीजन इनफिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है? द रीजन अदर देन द फिजिबल। अब देखो, इसके अलावा जो ये रीजन है, ये सब क्या है? ये सारे रीजंस कैसे हैं? ये इनफिजिबल रीजंस कहलाएंगे। तो वर्ड क्लियर हो गए, इन शब्दों का नाम आएगा तो आप समझदारी से समझ लीजिएगा, कहीं कोई समस्याएं नहीं आएंगी। चलिए सर, ये तो हमने नाम बता दी, जिनके वर्ड आएंगे उनको समझना होगा। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग इसका सोल्यूशन निकालने के मेथड यूज करेंगे, उस मेथड का नाम है कॉर्नर पॉइंट मेथड, कॉर्नर पॉइंट
मेथड। हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्राप्त करने, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए जिस मेथड का यूज करने जा रहे हैं पहली बार, उस मेथड का नाम है कॉर्नर पॉइंट मेथड। बात क्लियर हो जानी चाहिए, उम्मीद है, विश्वास है कि आप क्लियर करेंगे। ठीक, चलो सर आगे बढ़ो। बहुत छोटा सवाल पहले लेंगे ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। इसमें लिखा मैक्स जेड इसको 3x + 4y, ये आपका कौन सा सर, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट, ये सब्जेक्ट हमेशा लिखा जाएगा, आपको भी लिखना पड़ेगा कि जब बनाएंगे प्रॉब्लम तो लिखना पड़ेगा x + y > 4 एंड x > 0 एंड y > 0। ये तीन ही छोटी कंडीशन आपने ली है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, राइट द इक्वेशन ऑफ द गिवन इन इक्वेशन, राइट द इक्वेशन ऑफ गिवन इन इक्वेशन। तो सबसे पहले बनेगी x + y = 4 और दूसरी बनेगी x = 0, तीसरी बनेगी y = 0। बन गई। इसको ड्रॉ करने के लिए आप क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं इसे फटाक से। अपनी तरफ से x की वैल्यू लेंगे, x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। जब y की वैल्यू 0 ली तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, 2 पॉइंट मिल गए। इन दोनों को ड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं, फटाफट ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले आपने ये ड्रॉ किया y = 0 और ये x = 0। ठीक, x is greater than 0। अब ये x = 0 तो ग्रेटर इधर ही तो होता है आगे की तरफ, y = फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चल रही। फिर आप इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, x और y की वैल्यू रखी, ये 4, 0 आ गया, ये 0, 4 आ गया, कोई दिक्कत, इस पॉइंट का नाम 0, 0 जानते हैं। फिर क्या करेंगे, इसमें 0, 0 को सेटिस्फाइड करें, कंडीशन ट्रू आएगी। इसका मतलब आपने जैसे ही इस लाइन को ड्रॉ किया तो आपने इसने इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के दो टुकड़े किए, एक टुकड़ा ये किया, एक टुकड़ा ये किया है, तो ये आंसर है। फिजिबल रीजन है या ये फिजिबल रीजन है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, 0, 0 इसमें रखा, 0 + 0, 0 4 से छोटा होता है, हम कंडीशन ट्रू पा रहे हैं, तो जिधर 0, 0 को उधर हमारा फिजिबल रीजन मिलेगा। ये फिजिबल रीजन मिल गया आपको, ये बाउंडेड है, इसको आप एक सर्किल के अंदर बंद कर सकते हैं, ये क्लोज्ड फिजिबल रीजन है, क्लोज्ड है ना, हाँ, बाउंडेड फिजिबल रीजन है। अब इसके अंदर कई पॉइंट हैं तो ये फिजिबल सॉल्यूशन होगा। हमें सारे फिजिबल सॉल्यूशन नहीं निकालने, सिर्फ वो फिजिबल सॉल्यूशंस निकालने हैं जो कैसे होंगे, जो ऑप्टिमल होंगे, ऑप्टिमल होंगे। आइए सर, तो इसके लिए क्या मेथड यूज करें, कॉर्नर पॉइंट मेथड। तो एक टेबल बनाते हैं छोटी सी, ऐसे एक टेबल बना लेना, इसमें लिखना कॉर्नर पॉइंट ठीक, एंड वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या दिया यार, 3x + 4y। बस चलिए, पहला पॉइंट क्या है, 0, 0, दूसरा क्या है, 4, 0, तीसरा क्या है, 0, 4। चलिए 0, 0 जब इसमें रखें तो जेड इक्वल टू कितना आएगा, 3 × 0 + 4 × 0 = 0। फिर इसमें आएगा 3 × 4 + 4 × 0 = 12। फिर क्या आएगा, जेड इक्वल टू 3 × 0 + 4 × 4 = 16। चेक करो फटाफट वैल्यू, देखो देखिए, इन कॉर्नर पॉइंट सबसे ज्यादा वैल्यू आपको किसकी बात करनी, मैक्स मतलब सबसे बड़ी वैल्यू की बात करनी है। ये कहाँ सबसे बड़ी वैल्यू मिली है, इस पॉइंट में मिल रही ना। तो यही आपका क्या है, फिजिबल सॉल्यूशन है। हाँ, तो बात समझ में आ गई। इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, ये, तो यही आपका क्या है, फिजिबल, सॉरी ये आपका ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल मतलब आप चाहते थे कि आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट वाली चीज जगह पता चले, तो आप अगर ऐसे काम कर रहे होगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। अभी तो छोटा सा प्रॉब्लम है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं उठाई। क्लियर हुआ मतलब क्या हुआ, तो ये क्या, यही आपका मैक्स है, यही क्या है मैक्स। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हेंस 16 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चेड, हेंस क्या लिखेंगे, हेंस मैक्सिमम
वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू 16 एंड एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू 4। ये आंसर हो जाएगा। अब इसमें आपकी दो तीन सब्जेक्ट कंडीशन छोटी छोटी बनी थी, सॉरी सब्जेक्ट ऑफ कंडीशन तो एक ही थी, ये तो नॉन निगेटिव कंडीशन है, ये तो ये कौन सी, इसको अगर हम पूछे इसमें पूछा जाए ये क्या है तो आप बता सकते हो, ये आप वाई वाई क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपके पास ऐसे लिख दिया, पूछेंगे इसका नाम बताओ, क्या नाम है इसका, इसका नाम है ऑब्जेक्टिव फंक्शन या लीनियर फंक्शन। ठीक है, कितने वेरिएबल हैं इसमें सर, इसमें दो वेरिएबल हैं, किसके लिए बनाई गई है, मैक्सिमाइजेशन के लिए बनाई गई है। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्टेंट कितने सर, ये सब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्टेंट है और इनको बोलते हैं x इक्वल टू 0, y हमेशा सवाल में मिलेंगे, तो ये नॉन निगेटिव कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये क्या है, नॉन निगेटिव कंडीशन सर, रिस्ट्रिक्शन है, कंडीशन नहीं रिस्ट्रिक्शन है। कंफर्म हो गया होगा, उम्मीद है समझ में आया होगा, कुछ पल्ले गिरा होगा, यदि पल्ले गिरा तो बहुत अच्छी बात है और नहीं गिरा तो फिर और अच्छी बात है, कुछ समझ में आया, थोड़ा थोड़ा तो आ ही गया होगा, और सवाल देखेंगे तो और समझ में आएगा। कॉर्नर पॉइंट मेथड हम इस्तेमाल करके आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ठीक है ना, एक सवाल और लिखते हैं, समझने का प्रयत्न करिए, आ जाएगा समझ में, है ना। हाँ, सवाल लेकर मैक्स जेड इज इक्वल टू 8x प्लस 9y, मैक्स जेड 8x प्लस 9y सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट क्या है, पहली 2x प्लस 3y लेस देन आर इक्वल टू 6, 3x माइनस 2y लेस देन आर इक्वल टू 6, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आप कंडीशंस दे दी गई। तो ये क्या है, ये सब्जेक्ट का कांस्टेंट हो गए और ये क्या नॉन निगेटिव कंडीशंस। ठीक है, सबसे पहले आप वही प्रोसेस आपको पूरा पता ही आप कैसे करते हो। ठीक है, राइट द पूरी लैंग्वेज लिख करके हम सीधे लिख रहे हैं, लिख देते हैं, अच्छा राइट द इक्वेशन ऑफ गिवन इन इक्वेशन, क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, दूसरी आएगी 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, तीसरी आएगी y इक्वल टू 1, चौथी x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, ये चार बन गए। जो जो है इसको कैसे इसमें सॉल्व करने का तरीका आपको बताया जा चुका है, एक टेबल छोटी सी बना लेते हैं, x y की वैल्यू, x बराबर जब 0 लेंगे, जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो y इक्वल टू कितना आएगा 2 आएगा, और जब y की वैल्यू 0 रखोगे तो x इक्वल टू कितना आएगा 3 आएगा, तो दो पॉइंट मिल गए 0,2 और 3,0। हाउ ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले किसको ड्रॉ किया, ये y इक्वल टू 0 ड्रॉ हो गई, ये x इक्वल टू 0 ड्रॉ हो गई, फिर इसको ड्रॉ करते हैं, 0,2 यहां पॉइंट मिल जाएगा, ये 0,2 पॉइंट हो गया और ये 0,3 पॉइंट हो गया, ये 3,0 पॉइंट हो गया, इन दोनों पॉइंट को मिला दिया, लाइन बन गई, इस लाइन के स्क्वाड्रेटिक में दो टुकड़े कर दिए, किसका सिंबल है लेस का, हमारा रीजन अभी यहाँ आ रहा है इसके अंदर है, अभी फाइनल नहीं हुए हैं, अभी और चलेंगे, इस पे आइए, इस पे टेबल बनाइए, फिर वही प्रक्रम, एक्स एंड वाई, एक्स की वैल्यू 0 रखी तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई माइनस की 3, फिर वाई की वैल्यू 0 रखी तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2, देखो चेक करो, 0,-3 पॉइंट यहाँ कहीं पड़ेगा, इस जगह कहीं यहाँ पड़ेगा 0,-3 यहाँ पॉइंट पड़ा, और फिर एक और पॉइंट है 2,0 पॉइंट यहाँ पड़ेगा, 2,0 इस पॉइंट को ये थोड़ा और इधर कर लेते हैं क्योंकि यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत पास हो जाएगा, ये 2,0 हो जाएगा, इस दोनों पॉइंट को मिला दिया, लाइन ऐसे चली गई। अब जैसे ही लाइन गई, इस लाइन ने क्या किया, इस लाइन ने इस बाउंडेड रीजन के देखो दो टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा ये बन रहा है, एक टुकड़ा ये बन रहा है, अब हमारा कौन सा टुकड़ा आंसर है इसको चेक करना पड़ेगा, तो 0,0 किस पे रखा, 0-0, तो 0 छोटा आ रहा है किससे, 0 छोटा आ रहा है किससे, 0 छोटा है किससे, 6 से, कंडीशन 2 आ रही है, कंडीशन कैसी आ रही है, कंडीशन 2 आ रही है, अगर कंडीशन 2 आ रही है तो हमारा जिधर 0 यानी आंसर 0,0 इधर ऊपर की तरफ है, तो ये रीजन हमारा आंसर बना अभी फिलहाल, यहां तक मामला ओके हो गया, हाँ सर ओके हो गया, यानी अभी तक इधर की बात छूट गई खत्म। अरे y इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, ये लाइन पैरेलल होगी किसके, y इज इक्वल टू 1, ये लाइन पैरेलल होगी किसके, जल्दी बताओ, x एक्सिस के पैरेलल होगी, किसके पैरेलल होगी, x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए, y इज इक्वल टू 1 ये लाइन चली गई, इसका नाम है y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 ने क्या किया,
इस बाउंडेड रीजन के फिर दो टुकड़े मार दिए, मारे के नहीं मारे हमारे, एक टुकड़ा ऊपर एक टुकड़ा नीचे। अब इसे फिर रखा जीरो कमा जीरो रखेंगे, जीरो कमा जीरो रखोगे जीरो इज ग्रेटर देन वन, कंडीशन फॉल्स आ रही है, जिधर जीरो कमा जीरो उधर आंसर नहीं होगा। तो कहां आंसर होगा? आंसर साहब ऊपर की तरफ जाएगा, कहां जाएगा आंसर? y = 1 रखा, एक मिनट y = 1 तो हमने कंडीशन दी लेस लगाया, लेस लगा हमने उल्टा लगा दिया है, तभी हम कहे फिगर गलत बन रहा है, लेस लगा हुआ है तो कंडीशन 2 आएगी, यानी जिधर 0 कमा देखो 0 कमा जी तो जिधर 0 कमा जी उधर कंडीशन आंसर होगा, यानी ये आंसर हमारा बनेगा ये वाला नीचे वाला, ये बाउंड्री रीजन आपका आगे एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट कितने कॉर्नर मिले, ये क्या बना? ये फिजिबल रीजन है और इसके अंदर फिजिबल सॉल्यूशन ढेरों हैं, लेकिन वो फिजिबल सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन आपका है जो ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन है उसका पता लगा रहे हैं आप यहाँ पे। क्या करेंगे सर? इसको मिटा ले रहे हैं क्योंकि बन चुका है, यहाँ पे हम कॉर्नर पॉइंट के लिए बनाने जा रहे हैं, टेबल बनाएंगे, ऐसे टेबल बनाई जाती है। क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे कॉर्नर, यहाँ लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट और यहाँ पे वैल्यू ऑफ जेड या करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ जेड, ये लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ जेड भी लिखा जाता है। जेड इज इक्वल टू कितना दिया है? 8x + 9y, 8x + 9y। तो कॉर्नर पॉइंट निकालने से पहले आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा आपको सारे कॉर्नर पता है, ये पता है, ये पता है, ये सब नहीं पता है। तो सॉल्व करना पड़ेगा सर, किसको? इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को सॉल्व करना पड़ेगा, यानी ये दोनों लाइनें सॉल्व की जाएंगी तो ये पॉइंट पता चलेगा, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट चाहिए, तो ये पॉइंट हमको मिल गया 0.1। अब ये पॉइंट ये वाई की कितनी 1 है, वाई की 1 इसमें रखो, जैसे वाई की इसमें 1 रखोगे तो इधर जाएगा 3 होगा, देखो वाई स्क्वायर 1 रखो तो 2x + 3 = 6 के, तो 3 उधर चला गया तो 2x = 3 के, तो x बराबर कितने के? y की वैल्यू तो तुमको मालूम है, x की वैल्यू कितनी निकलेगी? 3/2 यानी 3/2, 3/2, 1 ये पॉइंट हो गया। अभी एक पॉइंट ये रह गया है, इसको और पता कर लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें इस लाइन में कितने गुणा? इसमें 2 का गुणा, तो 4x + 6y = 12 के। इसमें कितने गुणा? 3 का गुणा, 9x - 6y = 6, 3×18 ये कितना हो? 9×4 = 13, 13x = कितने के? 30 के। x = कितने के? 13/30 के, ये 13/30/13 ये पॉइंट हो गया कामा। ये x की वैल्यू उठा के किसी एक में रख लेंगे, x की वैल्यू उठा के किसी एक में रख लेंगे तो वैल्यू आएगी 6/13। डायरेक्ट लिख दिया, आप अपना कैलकुलेट कर लेना है ना, डायरेक्ट लिख दिया। अब आइए सर, ये पॉइंट है सारे पॉइंट, पहला पॉइंट पकड़िए 0,0, दूसरा पॉइंट 2,0, तीसरा पॉइंट ये 30/13, 6/13, फिर चौथा पॉइंट है 3/2, 1, फिर पांचवा पॉइंट 0,1। इन सभी पॉइंट पर इसकी वैल्यू निकालिए जेड की, जेड इज इक्वल टू 8×0 + 9×0 = 0 के कारण, जेड इज इक्वल टू 8×2 + 9×0 = 16, जेड इज इक्वल टू 8×30/13 + 9×6/13, तो 8×24 = 240 + 54 = 54/13, तो 294/13 ये वैल्यू आ गई पक्का। हाँ, फिर दूसरा पॉइंट रखता है जेड इज इक्वल टू कितने के? 8×3/2 + 9×1, तो ये 4 × 4 = 12, 12 + 9 = 21 के है ना। और फिर इसमें जेड इक्वल टू लास्ट वाले में रखा 8×0 + 9×1 = 9 के। अब इन्हें देखिए सबसे छोटी बड़ी वैल्यू कौन है, 13 भाग इसमें देंगे तो 13 × 13 मतलब ये 13×2 = 26 मतलब 20 के ऊपर जा रहा है, 294 है, 20 के ऊपर 13×2 = 26 260, और फिर अभी और चला जाएगा मतलब इससे बड़ी वैल्यू आ रही है, किससे बड़ी वैल्यू आ रही है, सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ मिल रही है? तो मिल रही है, तो ये आपका मैक्स जेड है, यही कौन है आपका? यही है मैक्स जेड। बोले भैया तो क्या लिखेंगे? हेंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज, हेंस क्या लिखेंगे आप आंसर? हेंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू 294/13 कहां पर? एट एक्स इज इक्वल टू 30/13 एंड वाई इज इक्वल टू 6/13। इस तरह से प्रोसेस को यूज करेंगे, ये है हमारा प्रोसीजर, हम किस तरह से काम करेंगे, किसमें? ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने में, मतलब
अगर आपसे पूछा फिजिबल सॉल्यूशन कितने, तो इसके अंदर जितने पॉइंट है इस रीजन के अंदर, वो सब फिजिबल सॉल्यूशंस हैं। उन फिजिबल सॉल्यूशंस में से एक सॉल्यूशन आपको पता करना है जो ऑप्टिमल हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिमल, या तो मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहा होगा या फिर वो मिनिमाइजेशन की बात कर रहा होगा, या तो मैक्सिमम की बात करेगा या मिनिमम की बात करेगा, वही हमारा ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशंस कहलाता है। तो ये ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशंस यहां पे कितना निकला, ये निकला। ऐसे काम करना है, ऐसा कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है। आधा तो 11 से रिलेट कर रहा है यहां तक, फिर काम क्या बढ़ा, ये पॉइंट पता करना। तो पॉइंट पता करिए कॉर्नर के, और कॉर्नर पॉइंट से कॉरस्पॉन्डिंग गेट की वैल्यू निकालिए और खत्म। यही आपके सिलेबस में है, क्योंकि जो सिलेबस कट कुट के बना है उससे फिर इतना ही है मात्र, और इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। पढ़ाएंगे वाला है, पूरी बात पढ़ा देंगे, लेकिन आपका जो सिलेबस है इस साल के लिए, फॉर दिस ईयर, है ना, कोरोना की वजह से जो सोल्यूशन आपके पास आएगा, जो क्वेश्चन आएगा, इतना बड़ा ही होगा और कुछ नहीं होगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। इसके बाद आगे की वीडियो में हम लोग काम करेंगे। तो इसमें एक और चीज आप क्या देख रहे हैं, बाउंडेड है कि नहीं है, इसको कौन सा सोल्यूशन बोलेंगे, फिजिबल बाउंडेड सोल्यूशन। हाँ, इन सब बातों को ध्यान रखिएगा, जरूरत पड़ेगी आपको। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, बने रहिए।